आगामी सरकार सख्ती से निपटेगी। राज्यपाल ने संपत्ति क्षति विधेयक को मंजूरी दे दी है। दंगाइयों से अब क्षतिग्रस्त संपत्ति की पूरी भरपाई की जाएगी। लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। प्रदेश में दंगा फसाद करने वालों पर नकेल अब कसी जाएगी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून का रूप लेगा विधेयक। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां साल के शुरुआत में हल्द्वानी के बनबुलपुरा क्षेत्र में एक बड़ी घटना हुई थी। दंगा फसाद के बाद यहां आगामी सरकार की ओर से सरकारी संपत्तियों को जो भी दंगा फसाद करने वाले लोग क्षति पहुंचाएंगे उनसे उनकी रकम वसूली जाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर राज्यपाल का आभार जताया है। उन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश कानून 2024 को मंजूरी प्रदान करने पर माननीय राज्यपाल का हार्दिक आभार। देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और मूल स्वरूप बिगाड़ने की किसी को भी छूट नहीं है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये ट्वीट किया गया है। आगे उन्होंने लिखा कि इस कानून का राज्य में कठोरता से पालन कराया जाएगा। इस कानून के अंतर्गत दरगाहों और सरकारी निजी संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई भी की जा सकेगी। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि राज्य की शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए हम प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये ट्वीट आपके सामने, जहां उन्होंने दंगाइयों के खिलाफ यहां पर तमाम जानकारियां भी यहां पर दी है और आगे उन्होंने राज्यपाल का धन्यवाद भी जताया। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, अब दंगाइयों के खिलाफ धामी सरकार सख्ती से यहां पर निपटने वाली। हमने देखा कि साल की शुरुआत में फरवरी महीने में हल्द्वानी की जो घटना आई थी, बलभुलपुरा की ये जो घटना थी, जिसके बाद धामी सरकार सख्ती से इस बिल को लेकर आती है। और उसी समय जब सत्र चलाया गया था तो वहां पर ही धामी सरकार ने अपने कड़े निर्देशों को सबके सामने रखा था। जी बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार, राज्य की धामी सरकार एक कानून लेकर के आई है। वो पिछले दिनों गैरसैंण में विधानसभा सत्र हुआ था, तो उस सत्र में इस विधेयक को पारित करके राजभवन को मंजूरी के लिए भेजा गया था। और इस कानून, जो विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब कानून बन गया है, अब वो जैसे ही आएगा उसके थोड़े से बायलाज, जो भी जितने भी जरूरत होगी आवश्यकता अनुसार बायलाज बनाकर, जो एक उपनियम बनाया जाता है, रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, तो उसको बना करके इस राज्य में जल्दी, बहुत जल्द लागू होने की इसमें उम्मीद है। और आप जानते होंगे कि देश में तमाम तरह के दंगे होते हैं, सांप्रदायिक होते हैं, जातीय दंगे होते हैं, या भीड़ उपद्रव करती है, किसी भी तरह की सब चीजें होती हैं, तो उसमें सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान होता है। तो अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं था कि जब ऐसी कोई नौबत आ जाए तो जो उन्मादी भीड़ है, जो उपद्रवियों की भीड़ है, तो चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो जातीय हो, चाहे धार्मिक हो, कैसी भी हो, तो जो संपत्ति का नुकसान होता है किसी की, निजी संपत्ति का, सार्वजनिक संपत्ति का, तो उसकी भरपाई कैसे होगी। तो इसीलिए एक कानून लेकर भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार उत्तराखंड में लेकर के आई है इस कानून को। तो कानून अब लागू चुका है, तो इस लागू होने के बाद अब यहां पर जो भी, हालांकि मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, बनभूलपुरा के दंगों के कुछ महीनों बाद ही सरकार इस कानून के अध्यादेश को लागू कर चुकी है। अब तो ये केवल फॉर्मेलिटी हुई है कानून को के रूप में राजभवन से सहमति मिलने के बाद, क्योंकि अध्यादेश पहले से ही, अध्यादेश एक वैधानिक और संवैधानिक प्रक्रिया होती है। जब कोई सत्र नजदीक बुलाया नहीं जा रहा हो, सदन की कार्रवाई नहीं चल रही हो, तो एक कानून को आप अध्यादेश के जरिए लागू कर सकते हैं। तो अब उसको फिर पूर्णकालिक तरीके से विधानसभा में विधेयक पारित कराकर राजभवन की मंजूरी मिल गई है और अब यह कानून पूरे प्रदेश में बहुत कायदे से लागू हो चुका है। किसी भी तरह के उपद्रव में, किसी भी तरह के दंगे में अगर किसी संपत्ति को नुकसान होगा तो उसकी भरपाई उपद्रवियों से होगी। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए ये जो अब कानून है, कहीं ना कहीं ये दंगाइयों के खिलाफ एक साफ तौर पर संदेश भी है कि अगर आप सरकारी या फिर किसी भी तरीके की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनकी भरपाई भी आगे आपसे ही की जाएगी। और बनभुलपुरा की ये जो घटना बीते दिनों हमने देखा, जब क्षेत्र में हुई, सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल जरूर उठे, लेकिन सरकार ने अपना पक्ष जिस तरीके से उस पूरे मामले पर साफ किया वो कहीं ना कहीं यहां पर काफी ज्यादा सराहनीय भी है। अजीत, बिल्कुल, देखिए चूंकि जो घटनाएं होती हैं तो घटनाएं किसी के वश में नहीं होती और कई घटनाओं का पहले से पता नहीं होता कि कितना सुनियोजित तरीके से चीजें चल रही हैं, लेकिन घटना के बाद उस पर घटना पर काबू पाना और घटना ऐसी भविष्य में ना हो, उसके लिए कोई एक ठोस मैकेनिज्म तैयार करना सरकार की यही प्रायोरिटी होती है और यहां भी धामी सरकार ने यही किया। जी बिल्कुल अजीत, आप बने रहे, आगे भी आपसे और जानकारियां लेंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे।